करता हूँ, नमस्कार बड़ों को छोटों को, हेलो स्वागत करता हूँ अपने छोटी सी यार के ब्लॉग चैनल में। तो गाइज आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हो, बिंदास हो, चंगे में हो, ठीक है। तो ये था आज का मेरा स्टार्टिंग इंट्रो, तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा है, ठीक है। तो आओ चलो चलते हैं गोलघर, और गोलघर में आपको पूरा का पूरा सीन करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा दिखाऊंगा, किसी धन्नों पे बैठे बैठे आपको दिखाऊंगा कि कैसा है हमारे गोरखपुर का दिवाली मार्केट। खैर देख ही सकते हो आप लोग हमारे गोरखपुर में अभी कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट आज थोड़ा कम है क्योंकि धनतेरस कल था और धनतेरस खत्म हो गया। तो चलो फिर दिखाते आगे। फाइनली हम आ गए हैं गोलघर के टाउन हॉल मार्केट में, और इस मार्केट में पूरा का पूरा दिवाली से रिलेटेड आपको मार्केट करने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए चले चलते हैं दिखाते हैं। खैर आज हमारे साथ हैं आरजे भाई, जो ठीक है। तो गाइस आइए चले चलते हैं दिखाते हैं, और हाँ कोशिश करूंगा कि फ्रंट में आपको पूरा का पूरा बोल के दिखाने का, लेकिन भाई दिल अपना मानता नहीं, बैकग्राउंड में पूरा का पूरा होगा, ठीक है। तो चलो फिर दिखाते हैं आगे और मजे लो, बस मजे लो, पूरा मजे लो, पूरा लास्टिंग बाबा के पटाखे। ये है पूरा का पूरा मार्केट, और टाउन हॉल मार्केट से बाहर पूरा का पूरा डेकोरेशन का मार्केट लगा हुआ है। तो पहले मैं आप लोगों को डेकोरेशन का मार्केट पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद खास हम चलेंगे पटाखे का दुकान देखने के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है चाचा का, कौन सा, बाबा, हाँ बाबा, बाबा चाचा की दुकान, फलाना ठिकाना पता नहीं कौन कौन से है। तो खैर अभी हम दिखाते हैं आपको डेकोरेशन का पूरा सामान, जो दिवाली का खास खास मार्केट आपका यहाँ टाउन हॉल में लगता है, और पूरे गोरखपुर के लोग यहाँ पे आते हैं मार्केट करने के लिए। चलो फिर दिखाते हैं, वैसे लोग हमको देख रहे हैं, ठीक है, पागल समझ रहे हैं, ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो भैया ये था पूरा का पूरा डेकोरेशन का मार्केट, और हम इस टाइम है खड़े टाउन हॉल के अंदर, और टाउन हॉल के अंदर आपको पूरा का पूरा सिर्फ क्या दिखेगा, पटाखा ही पटाखा दिखेगा, सिर्फ पटाखा, ठीक है। और गोरखपुर का काफी फेमस जगह है, और खास चीज यहाँ का क्या है ना, क्या है खास चीज अर्जे भाई, यहाँ पे आप लोग जब उसके नाम पढ़ेंगे, जो टाइटल है यहाँ के जितने भी दुकान के टाइटल्स है वो सारे के सारे बड़ू चाचा, तो बड़ू बड़ू बाबा, पुरानी दुकान, जैसे एक आध दुकान के नाम हम आपको दिखाते हैं, बड़ू चाचा पटाखे वाले, बुढ़ऊ चाचा, बुढ़ऊ बाबा पटाखे की पुरानी दुकान, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पर यूज किया गया। तो खैर ठीक है, खैर हम खैर यहाँ का ये यूनिक है, और मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि क्यों ऐसा नाम रखे, क्योंकि अगर गलती से एक आध रॉकेट छुआ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो खैर अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के पटाखे की दुकान, और एक आध पटाखे हम लेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। पटाखे में छुटपुरी लेंगे, अनार लेंगे, ठीक है, यही सब हम बस चलाते हैं, ठीक है। चलो फिर बने रहो, देखो बस इंजॉय करो, बाय। ये था पूरा का पूरा पटाखे का मार्केट, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं पटाखे की मार्केट में पटाखा लिया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ये देख सकते हो ये पटाखा, ज्यादा नहीं लिया हूँ क्योंकि मुझे पटाखा फोड़ना पसंद नहीं है, बट सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत, तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं ये पटाखा लिया हूँ, फोड़ करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिवाली आप लोगों के साथ इंजॉय करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, और आप चलते हैं कहाँ, घर, और फोड़ते हैं पटाखा, सबको हैप्पी दिवाली, और पटाखे थोड़ा आराम से फोड़ना, ठीक है, चलो बाय बाय। सुबह सुनने में आ गए हैं आरजे भाई के घर पे, और आरजे भाई के घर पे हम आ करके पटाखे को फोड़ेंगे और ट्राई करेंगे, और हमारा जो हेल्प कर रहे हैं लाइट देने में आरजे भाई क्योंकि छत पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो, जरा नीचे करिए, ये देखो करिया
ऊपर कैमरा एक्शन। तो भाई हम पटाखे को फोड़ने वाले हैं। ये पटाखा रखा हुआ है, देखा वो पटाखा रखे, ये पटाखा देखे रखा हुआ है हमारे पास। हमने कुछ पटाखे लिया हुआ है, दिखा देते हैं आपको। ये लिया हमने माचिस पटाखा, माचिस पटाखा इस पे दिखाइए। इसको रखेंगे तब तक वीडियो बनता रह जाएगा। और इसके बाद लिए हम अनार, जो ब्लास्ट भी होगा साथ ही साथ अनार के बाद। इसके बाद कैसे खोल के दिखाएंगे, देखिए ये देखिए, देख सकते हैं आप। इसका हमने छुरछुरी लिया है, फिर ये चुटपुट लिया है, फिर ये क्या है, ये आलू लिया है आलू। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर मैं सारा नहीं फोड़ूंगा आज, देखिए भाई वही पे। तो खैर मैं सारा नहीं फोड़ूंगा, अभी मैं एक ही एक आध ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ, एक छोटा सा इंजॉय करने के लिए। तो चलो फिर दिखाते हैं, बस इंजॉय करो। तो भैया अब फाइनली बारी है आलू बम का। आलू बम को हम फोड़ेंगे, लेकिन कैसे, कागज लगा करके, क्योंकि भैया हमको डर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो हम कागज लगा करके इस आलू बम को फोड़ेंगे और देखते हैं आवाज कितना अच्छा, ठीक है। तो देख लो, वैसे डर लग रहा है देख करके, ऑलरेडी आलू खगड़ेगा देख के। तो चलो इसको देखते हैं इसकी आवाज कैसी है, ठीक है, और कब तक ये फूटता है, कितना समय लगता है फोड़ने में। हम पटाखा फोड़ने, नीचे से जलाइए, नीचे से पूरा हिला दिया। अरे बाप रे मां। तो भैया फाइनली यार सच बताओ, पैसा मेरा तर गया, अच्छा खासा पैसा तर गया। 200 रुपये में लाया था, 200 रुपये का डिब्बा पड़ा था मुझे, और बहुत अच्छा आवाज है, ठीक है, कसम से दिवाली अच्छा खासा मनेगा। तो बस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो। दिवाली में भाई प्लीज़ पटाखा आराम से फोड़ना, ऐसे ही जैसे हम 3-4 चक्कर में फोड़े हैं, मतलब इतने बड़े बड़े रस्सी ला करके, इतने बड़े बड़े कागज़ ला करके, वैसे ही फोड़ना। सुरक्षा हमेशा अपने आप पर रखना चाहिए, ठीक है, इन्जॉय करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, बट सेफ्टी पहले, ठीक है। बस बाय बाय, सबको दिवाली हैप्पी दिवाली, सबको सबको हैप्पी दिवाली।